बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। खबर आ रही है बिजनौर के चेतधामपुर से। नगर का विकास न होने पर सभासदों ने दी इस्तीफा देने की चेतावनी। बोर्ड की बैठक में नगर विकास हेतु सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुए पारित। नगर पालिका परिषद धामपुर की पालिका के सुभाष हाल में आयोजित हुई बोर्ड बैठक में नगर के विकास हेतु सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इस दौरान पालिका सभासद रिहान शेख ने बसंत टाकिज के सामने पड़े नगर पालिका के तालाब की संपत्ति को खुर्दबुद करने के लिए दो लोगों को 99 साल के ठेके पर देने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच कराकर कार्यवाही करने की मांग की। बैठक में नगर में हो रहे अतिक्रमण को हटवाने तथा वार्डों में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था करवाए जाने पर भी जोर दिया गया। बैठक के दौरान सभासदों ने नगर का विकास सही प्रकार से नहीं होने की स्थिति में संयुक्त रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी। बिजनौर एक्सप्रेस से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति की खास रिपोर्ट। धामपुर नगर पालिका में बोर्ड की बैठक पास हुई, क्या क्या कितनी लागत पास हुई? कितनी लागत से पास हुई बोर्ड की बैठक? बोर्ड की बैठक में लागत तो एक अनुमानित होती है, और दूसरी बात जो हम ये प्रस्ताव पास करते हैं उस प्रस्ताव को अगर हमका बजट होता है तो हम उसे कराएंगे, वरना हम शासन को भेज देते हैं। शासन से हम मांग करते हैं, अगर हमें शासन पैसे देगा तो हम काम उसे करा सकते हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता छोटे कामों की होती है, जो जरूरतमंद है। मान लो आज हमने लाइट के लिए बात कराई तो लाइट के लिए हम शासन को भेज देंगे। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। कितने कंबल पास हुए? ये तो इन्होंने बोर्ड ने मांग करी है कि 100 कंबल पर वार्ड में बटे चाहिए ले आप, उसके लिए हमने कमेटी बना दी है।